एक भी गाय पालने वाला नहीं है, गौ का नारा देता है। बीफ खाने वाला ये लोग है, ये लोग जो राजनीति करते हैं गाय का, गौ माता का। जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो केवल कुत्ता पोस रहे हैं। बीजेपी को नस्नाबूत जब तक नहीं करेंगे, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। बिहार समाजवादियों का घर रहा है, और बिहार जब अंगराई लेता है, करवट लेता है, तो देश की राजनीति बदलती है। आज 9 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री एनडीए छोड़कर और महागठबंधन में शामिल होकर, उस दिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने संकल्प लिया है कि जिस तरह से गांधी जी ने मोतिहारी में 9 अगस्त 1942 को नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह का नारा उन लोगों ने, हमारे नेताओं ने दिया है कि अब क्रांति शुरू हो गई है और बिहार अगुवाई उसका करेगा और देश में से बीजेपी का खात्मा होगा। अगर बीजेपी खात्मा नहीं होगा तो यह देश बचेगा नहीं। इसलिए हम सारे लोगों से, आपके माध्यम से, हर बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में जो स्थिति पैदा कर दिया था बीजेपी के लोगों ने, नड्डा साहब ने बिहार में आकर कहा था कि छोटी छोटी पार्टियां नहीं रहेगी, सबको खत्म कर देंगे और सिर्फ रहेगा बीजेपी, उसी दिन कान खड़ा हो गया। हम आज 2 महीना पहले से कहते आ रहा हूं कि देश के समाजवादियों को एक मंच पर आना चाहिए बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए। तो लोगों ने सुना और सब एक मंच पर आ रहे हैं। बीफ का जो काम हो रहा है, ये लोग जो राजनीति करते हैं गाय का, गौ माता का, हम समझते हैं कि आज के दिन में जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, वो केवल कुत्ता पोस रहे हैं, और उनके दरवाजे पर लिखा है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। तो ये क्या कहना चाहते हैं? एक भी गाय पालने वाला नहीं है, गौ का नारा देता है। बीफ खाने वाला ये लोग है, और एक जाति विशेष के लोगों को, एक धर्म के लोगों को बदनाम करना ही चाहता है। इसलिए इस देश में बीजेपी का खात्मा तय है, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कसम खा लिया है कि बीजेपी को नस्नाबूत जब तक नहीं करेंगे, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। किशनगंज से बीजेपी की शुरुआत हो रही है, अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, क्या होगा? देखिए, अमित शाह आएंगे तो जुमला बोलेंगे, हर कोई जानता है कि वही आदमी है जो बोले थे कि 2 करोड़ जो नौजवानों को रोजगार देने का, उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव का जुमला था, आकर फिर जुमलाबाजी करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी गए हैं और विरोधी जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सबको एक मंच पर लाने का प्रयास करने गए हैं, और हम समझते हैं कि वो उसमें सफलता मिलेगी और बिहार का ही चेहरा प्रधानमंत्री का होगा, ये हमें लगता है। किशनगंज को चुनने का क्या मतलब? वो वहां से, वो तो केवल नफरत पैदा करने के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। वो देश में नफरत पैदा करके देश में राज करना चाहते हैं। आज उनके एक भी बीजेपी लोग के यहाँ छापान मारी नहीं हुआ। आप देख लीजिए, बीजेपी के लोग जो साइकिल से चलते थे, कभी मोटरसाइकिल से चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां से चल रहे हैं। कल मकान झोपड़ी का नहीं था, आज कई शहरों में मकान है। क्या उनके यहाँ छापामारी नहीं होना चाहिए?